अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे डिज़र्ट। बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत कम सामान में ये बनती है। जब भी आपके घर में मेहमान आए, झटपट इसे बनाकर खिलाइए। खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में बहुत आसान है। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हम डेगचे में 4 चम्मच शक्कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 1/2 गिलास पानी। अभी हम इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट पक गई है हमारी चाशनी। हमें ऐसी चाशनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। अभी हम गैस को बंद कर देंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध में हम डालेंगे 5 चम्मच शक्कर। दूध को अभी हम उबाल आने देंगे और इसे चम्मच से हिलाते ही रहेंगे। दूध में देखिए उबाल आ चुका है। अभी हम गैस को बारीक कर देंगे और कस्टर्ड पाउडर का एक घोल बनाएंगे। एक वाटी में हम डालेंगे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसमें 1 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर और डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए घोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे दूध में डाल देंगे। अभी देखिए दूध में हम घोल को डाल देंगे और इसे एक हाथ से चलाते रहेंगे। दो तीन मिनट पकाने के बाद ये दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए 2-3 मिनट पक चुका है ये। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अभी हम ऐसा कोई भी बर्तन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे ये टोस्ट जो हम चाय के साथ खाते हैं। ये वो ही टोस्ट है। हमें इस तरीके से इसे रख देना है, सब तरफ हमें रखना है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे चाशनी जो हमने बनाए थे। सब टोस्ट में हमें चाशनी डालना है ताकि टोस्ट हमारे अच्छे से भीग जाए। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे दूध जो हमने गाढ़ा दूध किए थे वो। सब तरफ हमें दूध को डाल देना है। अभी हम इसके ऊपर फिर से एक टोस्ट का लहर रखेंगे। अभी हम इसके ऊपर भी शीरा डालेंगे। फिर इसके ऊपर वापस से हम दूध डालेंगे। इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम, थोड़े से डालेंगे काजू और डालेंगे थोड़े से पिस्ता। अभी हम इसे फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। देखिए 2 घंटा हो चुका है और ये सेट हो चुका है। अभी हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखिए डिज़र्ट बनकर तैयार हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना डिज़र्ट हमारा कैसे बना। अल्लाह हाफिज़।